जय जय सदाराम। बोले गोविंद राम साहेब की। मैं संदेह संत युधिष्ठिर लाल जी और सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं और सदाराम जी जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि गोविंद राम जी का तो आशीर्वाद मेरे को साक्षात मिला है और उनके कारण ही शायद उनके आशीर्वाद से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि सदानी दरबार में आज 8 परिवार एक दूसरे से मिल रहे हैं, 16 परिवार मिल रहे हैं, 8 परिवार बस रहे हैं। मैं इसके लिए सभी जिनकी सगाई आज यहाँ पर हो रही है कि आज हम सब लोग सगाई में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और वो पैसे की बर्बादी होती है। अगर ऐसे धार्मिक स्थानों पर ये कार्यक्रम होना प्रारंभ हो जाए तो इससे समाज का उद्धार हो जाएगा और उस पैसे को हम जनता की सेवा में लगाएं। सदानी दरबार लगातार ऐसे धर्म के काम, श्रद्धा के काम, आस्था के काम और समाज सुधार के काम, सेवा के काम, जैसा कि आज स्वास्थ्य शिविर लगाकर मोटे लोगों का इलाज कैसे हो सकता है उसकी जानकारी दी, हार्ट के इलाज की जानकारी। तो इस प्रकार से सदानी दरबार जो छत्तीसगढ़ में संत गोविंद राम जी की प्रेरणा से स्थापित हुआ और आज संत युधिष्ठिर लाल जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं और सदानी दरबार का नाम पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। मैं सभी देश भर से आए हुए सभी सिंधी साहित्य के मनीषी गणों का छत्तीसगढ़ की इस धरती पर सरकार की तरफ से, क्योंकि मेरे पास संस्कृति विभाग है, सिंधी साहित्य एकेडमी भी मेरे अंडर में ही आती है और इसलिए मैं सदानी दरबार की इस पवित्र भूमि पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत इतिहास में ये दर्ज है कि जो समाज अपनी बोली को, अपनी भाषा को, अपनी परंपराओं को, अपने धर्म को भूल जाता है उस समाज को इतिहास भी भूल जाता है। और इसलिए अपनी बोली को, अपनी परंपरा को, अपने धर्म को, इसको हमको जीवित रखने की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसको जीवित रखने का काम भी सदानी दरबार ने आज यहाँ पर सिंधी बोली के ऊपर साहित्य सम्मेलन आयोजित कर किया है। इसके लिए भी मैं सदानी दरबार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो हम एक संस्कृति विभाग की तरफ से भी आप लोगों का कार्यक्रम आयोजित कर देते। मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत कि आप सब लोग इस सेवा के काम में लगे हैं। कि जैसा कहते हैं कि दूसरे की माँ की सेवा करना, सबसे पहले अपनी माँ की सेवा करना चाहिए और जो अपनी माँ की सेवा नहीं करता है उसका जो प्रायश्चित है वो हमारे देश के बड़े बड़े मुनि ऋषि भी नहीं कर पाए हैं। तो हमारी जो बोली है वो हमारी माँ है और उसकी सेवा से बड़ा काम और कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन।